कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, क्लास 10 इन हिंदी, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसका जो बेसिक चीज़ क्या होती है, क्या होता है समांतर श्रेणी, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, और एक दो एक उदाहरण हम करेंगे आज के इस वीडियो में। और जो आने वाली वीडियोज़ होंगी उसमें हम प्रश्नावली 5.1 वगैरह करेंगे, ठीक है। बाकी चैप्टर मैंने करा रखे हैं जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को कर दो अभी लाइक क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। मेरा जो बनाने का तरीका है कि मैं चीज़ों को रटवाते नहीं, समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कक्षा 11 में अगर गणित लेते हो तो आप गुणोत्तर श्रेणी भी पढ़ोगे। एक श्रेणी मैं ले रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, कि एक उदाहरण मैंने ये लिया, जैसे कि 1, 3, 7, फिर से 3 ले लिया, फिर से मैंने 25 लिख दिया, यहाँ 31 कर देता हूँ, है ना। ये एक ऐसा कुछ अनसर्टेन नंबर आ रहे हैं सामने, और एक मैंने ऐसा ले लिया जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चल रहे हैं। तो ये जो दो श्रेणी है, आपको देखते ही कुछ अंदाज़ा लग रहा हो, कुछ आप अनुभव कर रहे होंगे कि ये जो श्रेणी है इसमें कोई भी चीज़ों का अंतराल जो है वो नियत नहीं है। एक के बाद 3 आ जा रहा है, 3 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 31 आ रहा है, फिर 25 आ रहा है, कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है, कभी अंतराल इनके बीच में 2 का अंतराल है, इनके बीच में 4 का अंतराल है, और जबकि इस श्रेणी में प्रत्येक पदों के बीच 2-2 का अंतर है, ठीक है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, और 10 के बाद क्या जाएगा, 12, ठीक है। तो ऐसे पद जिन ऐसी श्रेणी जिनमें पदों के बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। जो मैंने बोला आपको हिंदी में लिख लेना है, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के बीच का जो अंतराल होता है, जो अंतर होता है, वो बराबर होते हैं या समान होते हैं, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये हमारा AP हुआ, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में AP बोलते हैं। AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अंग्रेजी में, और ये AP नहीं है, ठीक है। इस श्रेणी को हम क्या बोलेंगे, AP। तो AP के ये प्रथम पद है ना, पहला पद, इसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद। तो AP के प्रथम पद को A से दर्शाते हैं, किससे, A से, ठीक है। द्वितीय पद को A2 से, तृतीय पद को A3 से, चतुर्थ पद को A4 से, पंचम पद को A5 से, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। और जो मैं बोल रहा था ना अंतराल, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सार्वांतर। जब सारे सार्वांतर बराबर होते हैं, सार्वांतर का मतलब अगर पहला सार्वांतर निकालेंगे D1 तो वो क्या होगा, A2 - A1, द्वितीय पद में से प्रथम पद घट जाता है, D2 में क्या होगा, A3 में से A2 घटा देंगे, फिर क्या होगा, अगर D3 निकालेंगे तो क्या होगा, A4 में से A3 घटा देंगे, ऐसे चलता रहता है। जब जब D1 D2 D3 ये सारे सर्वांतर बराबर हो जाएंगे, सारे सर्वांतर मान बराबर हो जाएंगे, सपोज करो इसका मान भी 2 आया है, इसका मान भी 2 है, इसका मान भी 2 है, जब सारे सर्वांतर बराबर होते हैं तब श्रेणी हमारी क्या होती है, क्या होती है, समांतर श्रेणी। तब श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद मतलब कोई पद निकालना है, जैसे कि तीसरा पद, फॉर्मूला एक आता है nवां पद, nवें पद का फॉर्मूला जो होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, nवें पद को an से दर्शाते हैं, और फॉर्मूला इसका होता है a+n-1 × 2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। पूरे चैप्टर में मतलब एक्सरसाइज 5.1 में एक ही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम, एक ही सूत्र का यूज़ करेंगे, an = a+n-1 × d। सपोज़ करो हमें निकालना है पांचवा पद, हाँ क्या निकालना है, पांचवा पद, ठीक। तो देखो an क्या है, जो पद आपको निकालना है, a क्या है प्रथम पद, d क्या है सर्वांतर, n क्या है जौन सा पद आपको निकालना है, जैसे पांचवा पद बोला तो n = क्या होगा, पांचवा। तो देखो an,
ए प्लस एन की जगह क्या रखोगे, 5 माइनस 1 इंटू डी, 5 में से एक गया 4 डी, ठीक है। तो ए 5 को हम लिख सकते हैं ए प्लस, देखो 5 है तो यहाँ पर कितना आ गया 4 डी। अगर हमें ए 4 निकालना होता तो यहाँ क्या हो जाता है ए प्लस 3 डी, अगर ए 3 निकालना होता तो वो क्या होता है ए प्लस 2 डी, अगर ए 96 निकालना होगा तो क्या होगा ए प्लस 95 डी। और ए और डी का मान पता होगा तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। ये चीज़ हो गई, अब ये तो चलो तो ठीक है। अब अगर हमें ए और डी पता है, देखो ए वन को हम ए बोलते हैं, कुछ नोट कर लिखवा रहा हूँ, है ना, नोट करके आप लिखना, ए वन को ए बोलते हैं। ए टू किसके बराबर होता है, ए टू होगा, यहाँ टू है तो एक कम कर रहेंगे, एक डी। और ए थ्री को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 2 डी, है ना, इस नियम से। ए फोर को लिखेंगे हम ए प्लस 3 डी। क्या इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है निकालने का? जी बिल्कुल है। कैसे, देखो ये जो मैंने उदाहरण लिया था, इन सब में कितने का अंतर है, दो दो का अंतर है। देखो 2 में 2 जोड़ा तो 4 आया, 4 में 2 जोड़ा तो 6 आया, 6 में 2 जोड़ा तो 8 आया, 8 में 2 जोड़ा तो 10 आया, है ना। तो अगर ए पी है तो ए टू को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस डी, ठीक है। ए थ्री को लिख सकता हूँ मैं ए टू प्लस डी, ए फोर को लिख सकता हूँ मैं ए थ्री प्लस डी, ए फाइव को लिख सकता हूँ मैं ए फोर प्लस डी। समझ पा रहे हैं हम भाई बात? तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा सरल पड़ेगा ये चीज़, ज़्यादा हेल्प कहाँ करेगी, जब हम ए पी बनाने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में कि ए पी बनाओ, तब ये चीज़ यूज़ करना ये वाला। और जब पद निकालने के लिए बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, कोई भी स्पेशल पद निकालने के लिए बोलेगा तो। और ए पी निकालने के लिए बोलेगा ए और डी निकाल दो और फिर ये सूत्र लगाते रहो इधर वाला, इससे ये आसानी पड़ेगा। लगा दो, हम ये भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, अभी हम आते हैं उदाहरण, आपके एनसीईआरटी के उदाहरण पर, ठीक है। जैसे उदाहरण नंबर एक क्या बोल रहा है, एपी जो हमें दे रखा है 3/2, 1/2 है, ये डॉट डॉट क्यों चल रहा है, ये एपी इसने पहले ही बोल दिया है, यानी कि समांतर श्रेणी है। इसके लिए प्रथम पद ज्ञात करना है और सर्वांतर डी ज्ञात करना है, ठीक है। प्रथम पद ज्ञात करना और सर्वांतर डी ज्ञात करना है। हमें क्या दे रखा है, ए पी, वो क्या है 3/2, 1/2 -1/2 ऐसे चल रहे हैं। तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद यानी कि ए, जो पहला वाला पद होता है उसे हम प्रथम पद बोलते हैं। हाँ डी, क्योंकि ए पी पहले ही बोल दिया उसने, तो सारे डी तो बराबर होने चाहिए। डी बराबर क्या होता है, सर्वांतर, सर्वांतर को हम डी से दर्शाते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद ये है, प्रथम पद क्या है 3/2, लॉस ऑफ किया जाएगा 2, क्योंकि इसके बट्टे में भी 2 है, इसके बट्टे में भी 2 है, जब नीचे समान होते हैं तो ऊपर वैसे का वैसे घट जाते हैं, एक में से 3 माइनस करेंगे तो 2/2, लेकिन 2 एक कम 2 -1, ये हमारा सर्वांतर आ गया और ये हमारा प्रथम पद आ गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर आप आपको बोल देता 500 पद निकालो, पांचवा पद यानी कि एन की जगह पर हमारे पास क्या है, पांचवा पद, ए फाइव के लिए क्या होता है, 5 है तो एक कम 4 4 डी। ए हमारे पास कितना है क्वेश्चन में, 3/2, और डी का मान कितना है, -1 रख देंगे यहाँ पर, तो 3/2, 4 एक कम 4, लॉस हो पाया इसका कुछ नहीं, तो 1 ले लो, इसके इसके गुणा हो जाएगी, 2 एक कम 2, इसके गुणा इसके साथ 3, इसके गुणा इसके साथ 4 गुणा 2 क्या जाएगा 8। तो 3 में से 8 घटाएंगे तो क्या जाएगा, -5/2 आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 2 पे आते हैं।
ये चार प्रश्न में दे रखे हैं। कह रहे संख्याओं को निम्नलिखित सूचियों में से कौन से कौन कौन एपी नहीं है, कौन एपी हैं, उनके अलग अगले दो पद भी लिखी है। कौन सा एपी है, कौन सा एपी नहीं है वो हमें बताना है, यानी कि कौन सा समांतर श्रेणी है, कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है वो हमें बताना है। अगर समांतर श्रेणी है तो उसके अगले दो पद भी हमें निकाल के दिखाने हैं, ठीक है। हम इतने सारे क्वेश्चन तो नहीं करेंगे आपको, मैं सिर्फ पहला ही करके दिखा रहा हूँ क्योंकि उदाहरण है ना, बाकी आप तीन खुद कर सकते हैं। पहला है 4, 10, 16, 22, ठीक। तो देखो एपी पहले हम निकालने के लिए क्या निकालेंगे, D1 क्या होता है, A2 - A1, ये द्वितीय पद है, ये प्रथम पद है, 10 में से 4 घटाओ 6 है। D2 क्या होता है, A3 - A2, तीसरा पद माइनस के दूसरा पद। देखो सालवंतर बराबर आ गए, और एक निकाल के देखना चाहते तो देख लो क्या जाएगा, A4 - A3, 22 - 16, ये भी क्या कह है। तो सारे सर्वांतर बराबर हैं, ठीक हो गए, चूँकि सर्वांतर समान है अतः यह समांतर श्रेणी है, ये एपी है, ठीक। अगर एपी है तो देखो, अगर एपी है तो क्या करेंगे, अगले पद चौथा पद था, हमें पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद क्या होता है, A4 + D, मैंने कहा था ना शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना, चौथे पद में हमें सर्वांतर जोड़ दो तो क्या जाएगा 28। A6 निकालना है तो वो क्या होगा, A5 + D, A5 कितना है 28 और D कितना है हमारा 6, ठीक है, तो 28 में 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 34। इस तरीके से भी निकाल सकते थे या फिर इसको दूसरे फॉर्मूला से भी निकाल सकते, A5 बराबर क्या होता है A+4D, यहाँ A का मान रखते हैं, यहाँ D का मान रखते हैं और हल करते हैं। ये भी कर सकते थे A+5D, यहाँ A का मान रखते हैं, यहाँ D का मान रखते फिर हल करते तब भी आ जाता। तो आज के इस वीडियो में हमने समांतर श्रेणी के बारे में जान लिया है, सूत्र का उपयोग भी समझ लिया है, तो अगले वीडियो से प्रश्नावली 5.1 करना हमारे लिए आसान हो जाएगा।